बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम आपको बीफ के पाए बनाना सिखाएंगे। उसमें जो जो अशिया इस्तेमाल होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। ये दो पाए लिए हमने, एक पीछे का और एक आगे का। उसे मैंने भूनकर फिर अच्छी तरह से धोकर और कट करवा लिया। इसमें जब मैं बॉईल करूँगी तो इसमें डालूँगी ये सौंफ, धनिया 1-1 टेबल स्पून लेके मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 2 टेबल स्पून मैं इसमें प्याज डालूंगी जब मैं इसे बॉईल करूंगी, बाकी का प्याज मैं भूनते वक्त डालूंगी। 1 प्याली ये मैंने दही लिया है, ये भी भूनते वक्त डालना है। 1 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून मैंने ली है रेड चिली पाउडर, ये भी हमने भूनते वक्त डालना है। धनिया पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून मैंने नमक लिया है, 1/2 टेबल स्पून बॉईल करते वक्त इसमें डालना है। अजवाइन है 1/2 टी स्पून मैंने कलौंजी पाउडर लिया है, इसे मैंने मोटा मोटा कूट लिया है। 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर है, ये गरम मसाला है जो मैं लास्ट में हमेशा डालती हूँ। इसमें मैंने 4 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाली हैं, कुछ लौंग है, काली मिर्चें हैं, बड़ी इलायची है, काला ज़ीरा है और दालचीनी, ये सब मैंने कूट लिया गरम मसाला। 1 प्याली ऑयल है, 2 टेबल स्पून हरी मिर्चों का पेस्ट है। अब हम इसे बॉईल करने के लिए रखते हैं। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालूंगी, बॉईल करने के लिए रखेंगे। लहसुन, अदरक और प्याज और सफ़ेद ज़ीरा ये सब मैंने इसमें डाल के पीस लिया। प्याज में 2 इसमें डालूंगी और बाकी भूनते वक्त डालूंगी। और ये हमारा सौंफ और धनिया। अब मैं इसमें इतना पानी डालूंगी कि ये पानी में पूरे डूब जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसे बॉईल करने रखेंगे 20 से 25 मिनट। अगर सही हो गए तो ठीक है, वरना 20 मिनट फिर और रखेंगे। ये देखें हमारे बीफ के पाए बॉईल हो गए और देखें कितने ज़बरदस्त गले हैं कि हड्डियाँ लेदा हो गई और बोटियाँ ले गई। ये देखें, और मैंने 25 मिनट एक दफ़ा लगाया था और फिर 20 मिनट मैंने और लगाया, फिर ये इस तरह के गले हैं, बिल्कुल सही हैं, इसी तरह के मुझे चाहिए थे। अब हम इसका मसाला भूनते हैं। मान रहा है हम इसमें ऑयल डाल देंगे, कि 1 प्याली ऑयल डाला है हमने। और ये डालेंगे हम इसमें प्याज, अदरक, लहसुन और सफ़ेद ज़ीरा, सब हमने एक साथ पीस लिया था। अब हम इसे थोड़ा सा कलर करेंगे प्याज को, गोल्डन करेंगे प्याज को, और फिर हम इसमें बाकी के मसाले डालेंगे। देखने अभी प्याज पिंक नहीं हुए, अभी इसका कलर आ गया, फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। देखिए हमारा प्याज पिंक हो गया, अब हम इसमें दही डाल देंगे और ये सब मसाले डाल देंगे, मिर्चे, धनिया, हल्दी, कलौंजी। डाल देंगे और इसे 5 मिनट तक हम ये भूनेंगे ताकि इसकी मसालों की कच्चापन खत्म हो जाए। ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे हम और अब इसे भूनने के लिए ढक्कन ढक के रख देंगे। चमचे में थोड़ा मसाला लग गया है, इसमें फिर पानी डाल के कर दें, ढक दें 5 मिनट बाद इसे। ये देखें हमारा मसाला हो गया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या करेंगे, हमें अपना जो हमने बॉईल किया था पायों को वो डाल देंगे सब।
ये देखें हमने सब डाल दिया। अब इसमें तीन चार बॉयल आएंगे तो बस हमारा हमारे पाए पक जाएंगे। इसमें बॉयल दिला दिए तीन चार, फिर हमारे पाए तैयार हो जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये देखें हमारे पाए बिल्कुल तैयार हैं। देखें कैसे हड्डियों में से उतर गई, उतर गया गोश्त। अगर इसमें मिक है अभी अच्छा जी, तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं तैयार हो गए हमारे पाए। मान रहे हैं देखें हमारे बीफ पाए तैयार हैं। आप इसके अंदर बोंगी डाल के पका सकते हैं, मैंने नहीं डाली। बहुत ही टेस्टी और मज़े के बने, ऐसे भी अच्छे लगते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और अगर आपको हमारी डिश पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें, ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, मैंने इसमें सब्ज़ इलायची और गरम मसाला भी डाल दिया था। अल्लाह हाफिज़।